Hi, and good morning, students. I hope you all are doing really, very well at your homes and enjoying yourself doing this work. So I hope you have understood the previous exercise, that is exercise 3.5, really, very well. Today we're going to start with a new exercise 3.C. As you can see in this exercise, we have the word estimate. So just try to recall, what does this word estimate mean? I hope you are very well aware of this right now, because we have done this in addition as well as in subtraction. You know, whenever we find the estimated value, whether it's in addition or subtraction, the first step is to round up the numbers involved in that particular calculation, the nearest tens or hundreds or thousands. So that is mentioned, and according to that we just round up the values and then we add or subtract depending upon the calculation involved, right? So in this exercise also, we're going to estimate the multiplicand and multiplier depending upon the possibility whether the nearest tens or hundreds or thousands, then we're going to find the product. So let's get started with our first question. First question A part. इस एक्सरसाइज में अब हम करने जा रहे हैं एस्टिमेशन. जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड वैल्यू हमने फाइंड की है एडिशन के सम्स में, सब्ट्रैक्शन के सम्स में. तो एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करने से हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि उसमें जो भी नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, सपोज हमें टू नंबर्स को ऐड करके उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है, तो जब हम उनको ऐड करने वाले होते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि उन दो नंबर्स को हम राउंड ऑफ करते हैं. नियरेस्ट 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, राइट? कि क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है. वैसे ही आप सब डिफरेंस फाइंड करते थे, तो इस एक्सरसाइज में अब हम एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे प्रोडक्ट की. यानी कि अब पहले जब आप प्लस करते थे, माइनस करते थे, अब उनकी जगह पे आ रहा है मल्टीप्लीकेशन. और एक छोटा सा डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ नियरेस्ट टू 10 करना है, 1000 करना है कि 100 करना है. तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम जितना पॉसिबल होता है राउंड ऑफ करने का, हम उतना कर देते हैं. सपोज अगर किसी नंबर में जैसे 5 है, अब इस 5 को देखो, कैन वी राउंड ऑफ दिस 5 टू नियरेस्ट 10? अगर हम इसको नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना चाहें तो ये देखो आप, 10 करने के लिए हमें एक जीरो चाहिए, तो ये तो 5 ही जीरो बन जाएगा, ये 5 वही जीरो बन जाएगा. तो इसके साथ कोई डिजिट नहीं है जो इसको नॉन जीरो बनाए, क्योंकि अगर आपका एक डिजिट जीरो बन गया, और जीरो से तो आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, आपका अल्टीमेट आंसर जीरो आएगा. एंड इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस, इसका तो कोई मतलब ही नहीं. अगर जीरो आ रहा है तो एवरीथिंग इज वैनिशिंग, सब खत्म हो रहा है, तो कोई वैल्यू नहीं बचेगी. तो आप, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट व्हेनेवर यू सी अ सिंगल डिजिट दैट कैन नॉट बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट एनी वैल्यू, वेदर इट्स टेंस, हंड्रेड्स की तो बात ही छोड़ो. तो अगर आपको किसी भी नंबर को नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है, तो एटलीस्ट उस नंबर में टू डिजिट्स होने चाहिए. जैसे 25 है, इसको तो हम नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ कर सकते हैं ना, वो 30 आ जाएगा, 50 हो जाएगा, 5 को देखेंगे स्ट्रांग है, तो वो 2 को 3 कर देगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी. अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल विद सिंगल डिजिट, राइट? अगर सिंगल डिजिट है तो वो खुद ही जीरो हो जाएगा, और इसको देख के स्ट्रांग या वीक आप साथ में किसको इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, देयर इज नथिंग फॉर दैट, राइट? सो द फर्स्ट थिंग, व्हेनेवर यू राउंड ऑफ अ नंबर टू नियरेस्ट वेदर टेंस और हंड्रेड और थाउजेंड, सो द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज टू नियरेस्ट टेंस. फॉर दैट यू मस्ट बी हैविंग एटलीस्ट टू डिजिट्स इन योर नंबर. उसके लिए आपके नंबर में एटलीस्ट कम से कम दो डिजिट तो होने ही होने चाहिए, राइट? दैट्स व्हाई आप, यू कैन सी हियर, 5 हैज रिमेन्ड एज 5 ओनली. ये जो 5 है वो 5 का 5 ही रह गया है, बिकॉज इट्स राउंडिंग ऑफ इज नॉट पॉसिबल, राइट? मिनिमम राउंडिंग ऑफ पॉसिबिलिटी इज नियरेस्ट टू 10. वही पॉसिबल नहीं है तो आगे वाली तो बिल्कुल नहीं हो सकती. सो 5 रिमेन्स ओनली 5. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 4192. आप जितने पॉसिबल नंबर डिजिट्स को जीरो कर सकते हो आप कर दो. लाइक इज इन दिस केस, अगर हम वंस प्लेस से स्टार्ट करें, अगर हम प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करें, तो आई कैन मेक दिस जीरो, दिस जीरो, दिस जीरो, बट आई हैव टू कीप दिस एज नॉन जीरो. पर मुझे इसे नॉन जीरो रखना ही होगा. 2 को मैं जीरो बना देती हूँ, 4, 9 को भी बना सकते हैं, 1 को भी बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, नो प्रॉब्लम इज देयर. अगर इस 4 को भी जीरो कर दिया तो इट अल्टीमेटली कम्स आउट टू बी जीरो, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो इस 4 को हम जीरो नहीं कर सकते, इट हैज टू स्टे एज 4 ओनली. सो इफ आई एम जस्ट मेकिंग 3 डिजिट्स जीरो, अगर मैं सिर्फ 3 डिजिट को जीरो कर रही हूँ, दैट मीन्स इट वुड बी राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट थाउजेंड. इट हैज टू बी इट, राइट? इफ इट्स
It involves the rounding off of just three digits to zero. Then it means it's rounding off nearest thousands only. तो अब अगर हम देखें 4192, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, हम 2 को भी 0 बना सकते हैं, 9 को भी 0 बना सकते हैं, 1 को भी 0. पर अगर मैंने 4 को भी 0 बना दिया, इस 4 को भी मैंने 0 बना दिया, अगर मैंने इस मैं इस 2 को 0 बना सकती हूँ, हम इसको भी 0 बना सकते हैं, इसको भी 0 बना सकते हैं, पर अगर आपने 4 को भी 0 बना दिया, तो किसी नंबर में अगर 4 0 ही लगातार आ रही है, दैट मींस दैट 0 ओनली, राइट? तो ये नंबर खत्म ही हो जा रहा है, वैनिश हो रहा है, इसकी आइडेंटिटी ही खत्म हो रही है, राइट? तो हम क्या करेंगे, हमें एक डिजिट जो है वो नॉन जीरो रखना है. 4 को नॉन जीरो बनना ही होगा. नॉन जीरो का मतलब इसे हम जीरो नहीं बना सकते, तभी इस नंबर की आइडेंटिटी रहेगी. ओके, तो अगर हम थ्री डिजिट को जीरो बना रहे हैं, इट मींस इस केस में पॉसिबल राउंडिंग ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो राउंड ऑफ करने की है वो है टू नियरेस्ट थाउजेंड, राइट? इसलिए उन्होंने 4192 को राउंड ऑफ करके बनाया है 4000. प्रोडक्ट में यही करते हैं हम, जब भी हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू टू विच वी कैन राउंड ऑफ द गिवन नंबर, द मैक्सिमम वैल्यू जिस तक आप उस नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हो, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मेन क्वेश्चन नाउ. As you can see here, first question A part, estimate the value of this. It means first you need to estimate the numbers involved, then you have to find the value. So after rounding of this 4192, we get what? 2 becomes 0, 9 becomes 0, and this 1 becomes 0. Now look at this 1, it's a weak digit. So it has no power to push this 4 to 5, so it will remain only 4. आपका 20 बन गया, 20 बन गया, 90 बन गया, आपका 1 भी 0 बन गया. फिर हम 1 को देखेंगे, वो एक वीक डिजिट है, तो वीक डिजिट में पावर नहीं होती कि वो नेक्स्ट डिजिट को आगे पुश कर सके, तो 4 का 4 ही रह जाएगा, राइट? सो द राउंडेड ऑफ वैल्यू ऑफ 4192 इज जस्ट 4000, राइट? सो दूसरा हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो नेक्स्ट नंबर इज 5, right? Your multiplier is 5, so there is no possibility of rounding off, so it will remain only 5. Now we have to multiply them. I told you the very simple way, just multiply the non-zero numbers. Jo non-zero numbers hain, jo zero nahi hain, unko aap multiply kar dijiye. But ek dhyan rakhna hai ki agar yahan pe 1 hota na, to hum ye nahi kar sakte the, kyunki ye do non-zero numbers ke beech mein enclosed ho jate zeros, kyunki aapke end tak zeros chal rahi hain. तो व्हाट वी कैन डू इज, हम 4 को और 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 4 5 का 20, राइट? ये 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके 20 आया है. नाउ वी आर स्टिल लेफ्ट विद द 3 जीरोस, 1 2 3, एंड दीस 3 जीरोस आर टू बी पुट हियर एज लाइक दिस. सो वी हैव दिस एज योर वैल्यू दैट हैज टू बी पुट हियर. ये वैल्यू आपको इस बॉक्स में रखनी है, राइट? सो आफ्टर दिस we have B part of it, that is simply the actual value. You can see here in this part, multiply 4192 by 5. Simply you have to multiply, that's the actual value. 5 2s are 10, 1 here, 0 here. 5 9s are 45, 45 plus 1 46, 4 here, 6 here. 5 1s are 5 plus 4, 9, and 5 4s are 20. So this is your actual value, or you can call it actual product, actual value or actual product. इसको आप कुछ भी बोल सकते हो. Remember मैंने आपको बताया था product आता है जब हम किसी multiplier या multiplicand को multiply करते हैं, right? जब हम दोनों को multiply कर देते हैं और we multiply any two numbers, the answer we get is called product. Okay? So this value has to go here. सेकेंड सम इज़ टू बी डन इन द सेम वे. आई एम लीविंग दिस फॉर यू सो दैट यू कैन डू इट. मैं सेकेंड सम आपके लिए छोड़ रही हूँ बीपा, ताकि आप कर सके उसे. सो लेट्स जस्ट मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन. ओके, हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव स्टेटमेंट एज, एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग द नंबर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड. नाउ इट इज मेंशन्ड
that you have to round up the given numbers or the numbers involved in multiplication to nearest hundreds. That means you have to round off your multiplicand and multiplier to nearest hundreds. Then you